अभी इसके बारे में हम एसरटेन कर रहे हैं कि वजूहत क्या हो सकती है आग लगने की, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी यानी शॉर्ट सर्किट से हुआ है या एलपीजी गैस से हुआ है ये तो बाद में हम देखेंगे, अभी एसरटेन करेंगे। लेकिन जब आग लगी है तो उसके बाद कुछ ब्लास्ट हुए हैं यहाँ एलपीजी के, जिसकी वजह से ये फ़ौरन आनन फानन तमाम बिल्डिंगों में फैल गया। और क्योंकि ये कंजस्टेड एरियाज हैं, तीन ये जो कम्प्लेक्सेस हैं ये एक साथ मिले हुए हैं, लिहाजा इनमें कोई गैप खास नहीं है, लिहाजा ये पूरे इन्वॉल्व हुए हैं। इसी के साथ जो पिछले जो रेजिडेंशियल मकान थे इसमें, तो वो भी साथ साथ ही हैं एडजेसेंट टू दीज कम्प्लेक्सेस, और उनका अपर पोर्शन भी इन्वॉल्व। तो लेकिन अभी टाइम लगेगा इसमें, एक आध घंटा लगेगा अभी भी, क्योंकि अभी धुआँ वगैरह है, ये तो इसमें कूलिंग इफेक्ट देना है, जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक हम निकलेंगे नहीं। आज मार्केट में काफ़ी दुकानें डैमेज हुई हैं और पीछे मोहल्ले में भी दरगाह में डैमेज हुआ है, तो उस पर उसका जायज़ा लेने के लिए आए हैं। अभी अल्लाह ताला का शुक्र है कि आग पे कंट्रोल आ गया है, पुलिस ने बहुत अच्छा काम यहाँ पे किया है। जो लोकल्स भी कह रहे हैं कि जो लोकल पुलिस है उनकी कारकर्दगी, फायर सर्विसेज की कारकर्दगी अच्छी रही। अब रिलीफ एक्सटेंड कैसे होगा, इनकी इमदाद कैसे होगी, और ये इंक्वायरी कैसे होगी कि ये आग का हादसा शुरू कैसे हुआ, सेकेंडरी स्टेप्स एंड दोज विल आल्सो हैपन। अभी डीसी साहब की टीम के साथ रابطہ करके इस चीज़ का भी जायज़ा लिया जाएगा कि व्हाट आर द फाइनेंशियल असिस्टेंसेस दैट। वजह अमीगोज़ है, अमीगोज़ का किचन वजह है, और अमीगोज़ की जो मनमानी है वो वजह है। हमने आज से तीन महीने पहले भी उनसे कहा, आप ये गैस जो आपका है यहाँ, ये आप यहाँ पे ऊपर स्टॉक मत रखा करो, आप कहीं और जगह लो रेंट पे, आप वहीं पे आपने सारे गैस सिलेंडर्स को, कम से कम 50-60 सिलेंडर इसके हैं जो यूज़ में आते हैं, और उसी वजह से ये आग जल्दी फैल गई, गैस भी लीक हो गया, और गैस सिलेंडर ये वो जितने भी गैस सिलेंडर थे सारे फट गए। साथ में इनका दूसरा है, हमारा रेस्टोरेंट है बेलेफ, वो भी जल गया, इसी की वजह से उन्होंने गैस सिलेंडर्स निकाले थे। हमने औकाफ वालों को पहले ही कहा था कि बंदा यहाँ पे गैस सिलेंडर डंप कर रहा है, इसको यहाँ पे डंप करने मत दीजिए। और पता नहीं इनका क्या अप्रोच है औकाफ के साथ, औकाफ वालों ने एक कान से सुना दूसरे कान से छोड़ा, और हमने रिटर्न भी उनको बोला है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे रेस्टोरेंट ये यूज़ ये चला रहे हैं, रन कर रहे हैं अपना बिजनेस, कम से कम ये गैस सिलेंडर वहाँ पे नहीं रखने चाहिए। औकाफ ने भी एक कान से सुना, उनके कान में जू नहीं रिंग, औकाफ ने पूरी छूट दी थी अमीगोज़ को। हमारा जो कंसर्न थाना है, पुलिस जो है हमारा कंसर्न था, एसपी साहब, डीएसपी साहब, और एसएचओ साहब, हमारा डीएसपी साहब जिंदाबाद।